अभी हम मजबूरी में निकल रहे हैं, इसलिए मजबूरी में निकल रहे हैं क्योंकि हमें अपना सरकार पे भरोसा नहीं रहा। ये सरकारी हटानी चाहिए, ये सरकारी हटा दो, यहाँ रह के भूखे मरेंगे क्या? सारी जो भारत की गवर्नमेंट है, जितनी भी है, मतलब यूपी है, बंगाल है, जहाँ की भी है, सारी सरकार, मतलब ये सिर्फ राजनीति करते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। आयरनी ये है कि बार बार वायरस से बचाने के लिए, लोगों को घर में रखने के लिए, भीड़ कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है, लेकिन हर बार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़क पे होते हैं। पिछले बार का जो लॉकडाउन था मार्च का, आपको याद होगा, लगातार ऐसी तस्वीरें आई जब लोग हजारों किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर अपने घर गए। दिल्ली में आज लॉकडाउन लगा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस महामारी को रोकने के लिए, जिस भीड़ को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, वो महामारी कितनी रुक पाएगी, क्योंकि वापस से हजारों लोग सड़क पे हैं। हम इनमें से कई लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोबारा ऐसा क्या हुआ कि सरकार द्वारा दिए गए भरोसे के बावजूद ये अपने घरों से रात में माइग्रेट करने निकल गए हैं। मैं साहब से बोलना चाहता हूँ, पहले केजरीवाल जी ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था और अचानक में उन्होंने बोल दिया कि अब लॉकडाउन लगाते हैं हम, कि पहले आप उन्होंने ये जो कर्फ्यू लगाया था उस दौरान ये बोला था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है, आने वाले सिचुएशन में हमारे मरीज बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, लेकिन उन्हें कभी ये कन्फर्म करना चाहिए कि इतने तारीख से हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, कि कम से कम आम आदमी जो है अपना एडजस्टिंग देख लें या घर जाने के बारे में सोच लें या किसी चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, सर इतने लोगों का जिम्मेदार कौन रहेगा? गवर्नमेंट का जिम्मेदार? हाँ, अभी जो घर गांव नहीं जा पा रहे अपने, घर नहीं जा पा रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन रहेगा, गवर्नमेंट की हम लोग? तो मेरे को बस एक बात बताइए कि जैसे हफ्ते दिन का लॉकडाउन है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, मैं बस समझना चाह रहा हूँ। हफ्ता दिन बहुत डिफिकल्ट है, अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं नहीं, क्या डर है? डर है कि और बढ़ जाएगा, इस वजह से और बढ़ जाए, रूम किराया कौन देगा और अपना खर्चा कैसे चलेगा? मदद ये है, मतलब सारी जो भारत की गवर्नमेंट है, जितनी भी है, मतलब यूपी है, बंगाल है, जहाँ की भी है, सारी सरकार, मतलब ये सिर्फ राजनीति करते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। चाहे दिल्ली का केजरीवाल हो, चाहे यूपी के योगी जी हो, कोई भी हो, मतलब उनको ये सोचना चाहिए, अपने अपने स्टेट में रोज़गार पैदा करना चाहिए। हम यूपी से क्यों आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं? और मतलब यूपी में काम नहीं है ना, तो यहाँ काम करने के लिए मजबूरी में आता, और यहाँ भी जब लॉकडाउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो रोजगार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ मदद किस तरीके की और मिलनी चाहिए, सूचित करने के अलावा पैसा मिलना चाहिए सरकार से? अगर लॉकडाउन लगे तो हफ्ते दिन है तो हफ्ते दिन का राशन पैसा नहीं, मतलब वो तो मिलना ही चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों का सबसे बड़ा मतलब ये इंतजाम करना चाहिए इनको, हम लोगों को छूट देनी चाहिए कि आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। अब सरकार तो वहाँ से लॉकडाउन कर देती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि अपनी फैमिली वो कैसे पालेंगे, बताओ। कि जो इसके पास तो पैसे है वो तो अपना कर लेंगे गुजारा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, वो तो रोटों में भटकेगा, है नहीं? और अब बताओ, यहाँ पर सब ने जिसके पास पैसे हैं वो तो अपना कमरे में बैठे, अब जिसके पास नहीं है वो तो भागेगा, है अपना भूखा तो वो रहेगा नहीं यहाँ पे, अपने बच्चे तो कैसे भी पालने हैं। इतने छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे निकली हैं आप, तो मतलब वायरस का डर है, कितना वायरस का भी है और फिर बच्चों का भी किस तरीके से पालेंगे, किराए में रहते हैं तो किस तरीके से पालेंगे, बताओ। किराएदार अलग, मकान मालिक अलग से परेशान करेगा, है, और बच्चों को हम कहाँ से पालेंगे? उम्मीद है आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे, हमने कोशिश की कि हम लोगों से बात करें, उनके अंदर वापस से वही डर घुसा हुआ है कि अगर वो यहाँ पे रहे तो उनको नहीं पता ये लॉकडाउन कितने दिन टिकेगा। मेरे पीछे हज़ारों लोग हैं, हज़ार नहीं हज़ारों लोग, इनमें से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ऐसे कई राज्यों को जाने के लिए निकले हैं। इनसे हमने बात करके समझने की कोशिश की कि दो बार के लॉकडाउन में जो हाल बद से बदतर बने रहे, आखिर इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी जो अपील निकल के आई वो ये है कि सरकार इन्हें पहले से इत्तला करे, इन्हें टाइम दे, 3 दिन 4 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन पहले इन्फॉर्म करे कि लॉकडाउन लगने वाला है, ताकि अब प्रिपेयर हो सके अपने घरों को जाने के लिए। उसके अलावा इनकी रिक्वेस्ट है कि अगर दिल्ली में ही रुकना मजबूरी है वायरस को रोकने के लिए, तो चूँकि इनकी नौकरियाँ चली जाती हैं, इनका काम छिन जाता है, तो इनको तुरंत लॉकडाउन लगाने
के दौरान आर्थिक मदद दी जाए ताकि इनको इस तरीके से माइग्रेट ना करना पड़े, इनको भीड़ ना बनना पड़े। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण कृष्णा।